कोविड महामारी की दूसरी लहर, जिसके विरुद्ध जंग में हर सक्षम प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रदेशवासियों को कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर भी सही उपाय करके कोविड को हराया जा सकता है। हॉस्पिटल आने के लिए बेसिकली तीन सिम्टम्स है, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाई ग्रेड फीवर आपको लग रहा हो कि 4-5 दिन से नहीं उतर रहा हो, या आपका सैचुरेशन 94 के नीचे हो। जो होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि अस्पताल बचा रहता है, हम अपने पीक पे काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स 24 घंटे प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, जिसके बारे में बताते हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। आर डॉक्टर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट। नेगेटिव होने के बाद जो क्वारंटीन का फीस भी छोड़कर आके ज्वाइन कर रहे हैं, जो उनके आराम करने के लिए होता है, तो शायद वही पैंडेमिक को मिलकर जीता जाएगा। पेशेंट का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोविड के विरुद्ध देश का सबसे बड़ा टीकाकरण महाअभियान शुरू हो चुका है। मैंने अपनी कोविड वैक्सीन लगवा ली और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें, और इस मुहिम के लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। योगी गवर्नमेंट बहुत एक्सेप्शनल काम कर रही है। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक पैंडेमिक में। गवर्नमेंट भी अपने पीक पर परफॉर्म कर रही है। कोविड से जंग में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए और मास्क जरूर लगाए, क्योंकि सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी तो जीतेंगे कोरोना से लड़ाई।